हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर की। अकबर द ग्रेट मुस्लिम एम्परर ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ स्प्रॉलिंग किंगडम थ्रू मिलिट्री कंक्वेस्ट बट इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अकबर मुगल एम्पायर के सबसे ग्रेट, सबसे फेमस रूलर थे, बट इन्होंने अपनी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी से अपनी पूरी मिलिट्री को कंक्वेस्ट कर लिया था और बहुत सारी किंगडम्स को भी कन्वर्ट कर लिया था। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वॉज द सन ऑफ हुमायूं एंड हमीदा बानो बेगम, बॉर्न एट अमरकोट इन 1542, क्राउंड एट द एज ऑफ 13 ईयर्स एट कालानौर पंजाब। 13 ईयर्स की एज में इन्होंने कालानौर का किला पंजाब में जीत लिया था। बहरम खान, ट्यूटर ऑफ द प्रिंस अकबर, रीजेंट एंड एडवोकेट ऑफ द किंगडम विद द टाइटल ऑफ खान ए खाना एंड रेल्ड द मुगल फोर्सेस। इनके जो ट्यूटर थे और एडवोकेट भी थे किंगडम के, उनका नाम था बहरम खान और उन्हें टाइटल दिया गया था खान ए खाना का। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। अकबर के समय में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य वर्सेज मुगल। हेमू वॉज द लास्ट हिंदू रूलर। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो थे वो लास्ट मुगल रूलर थे, सॉरी लास्ट हिंदू रूलर थे, और मुगल्स के साथ उनका युद्ध हुआ था। हेमू फॉट ब्रेवली बट वॉज डिफीटेड एंड अकबर री ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। हेमू उस युद्ध में हार गए थे और अकबर ने री ऑक्यूपाई कर लिया था दिल्ली और आगरा। मुगल्स की साइड से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया था राजा मानसिंह ने। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ हल्दीघाटी 18 जून 1576 में, राणा प्रताप सिंह वर्सेस मुगल। राजा मानसिंह राजपूत लॉस्ट द बैटल। ये हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल, और मुगल की तरफ से राजा मानसिंह ने युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप वॉज अ किंग ऑफ मेवा, अ रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान। इस युद्ध को राजपूत हार गए थे, महाराणा प्रताप ये युद्ध लॉस्ट कर गए थे, और महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, प्रेजेंट जगह राजस्थान में। ही वॉज टाइटल एज मेवाड़ी राणा, इन्हें टाइटल दिया गया था, एंड वॉज नोटेबल फॉर हिज मिलिट्री रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड वॉज नोन फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी में जो इन्होंने युद्ध लड़ा उसके लिए जाने जाते हैं। बैटल ऑफ देवर भी इन्होंने लड़ा था, बट बैटल ऑफ हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप हार गए थे। इसके बाद अकबर एक्सपेंशन, कंक्वेस्ट मालवा डिफीटिंग बास बहादुर इन 1561। अकबर ने मालवा को कंक्वेस्ट किया था 1561 में बास बहादुर को हराकर। डिफीटेड गर्ग कटंगा रूल्ड बाय रानी दुर्गावती फॉलोड बाय चित्तौड़ एंड रंथमपौर। इन्होंने चित्तौड़ रंथमपौर को भी अपनी सिटी में मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। फर्स्ट विक्ट्री इन राजस्थान वॉज वॉन विदाउट ब्लडशेड। इनकी पहली विक्ट्री राजस्थान में हुई थी विदाउट ब्लडशेड। वॉन गुजरात इन 1572 द बुलंद दरवाज़ा कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी। इन्होंने की जीत हुई थी गुजरात में 1572 में। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, विच इज़ द हाइएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह कंकर्ड बिहार बंगाल एंड उड़ीसा कश्मीर। राजा मानसिंह ने बिहार बंगाल उड़ीसा और कश्मीर को कंकर्ड किया था। हिज लास्ट कंकर्ड वॉज एट द फोर्ट ऑफ असिरगढ़ इन डेक्कन। बिल्ट इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर एट फतेहपुर सीकरी। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। फॉर्मेटेड इन ऑर्डर कॉल्ड दीन ए इलाही इन 1581। इन्होंने एक धर्म की स्थापना भी की थी दीन ए इलाही नाम से 1581 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रॉल्फ फिच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट इन 1585। पहले इंग्लिश मैन किसकी कोर्ट में आए थे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो रॉल्फ फिच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन जो कि अकबर की कोर्ट में आए थे 1585 में। अकबर्स नाइन ज्वेल्स और नवरत्न।
अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर के 9 जेंट्स के बारे में इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले थे अब्दुल रहीम खाने खाना का, जिन्हें टाइटल दिया गया था। ये हिंदी एंड टर्की स्कॉलर थे और डिफेंस मिनिस्टर भी थे अकबर के। अब्दुल फजल ये स्कॉलर थे, इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी अकबर की जिसका नाम था अकबरनामा, और वजीर थे ये। फैजी, फैजी स्कॉलर थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। टोडरमल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टोडरमल फाइनेंस और रिवेन्यू मिनिस्टर थे। बीरबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटर फॉरेन मिनिस्टर थे बीरबल, और बीरबल का रियल नेम था महेश दास। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह मनसबदार थे, चीफ स्टाफ। नेक्स्ट तानसेन, तानसेन सिंगर थे अकबर की कोर्ट में, और तानसेन का रियल नेम था राम तनु पांडे। मुलादो प्याजा, मुलादो प्याजा चीफ ऑफ रॉयल स्कूल थे। फाकिर अजियोद्दीन, ये अकबर के महजार थे, रिलीजियस एडवाइजर्स थे, धार्मिक एडवाइजर्स इन्हें दिया करते थे। तो ये 9 जेम्स हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल फजल, फैजी, टोडरमल, बीरबल, राजा मानसिंह, तानसेन, मुलादो प्याजा, फकीर अजियोद्दीन। डेथ एंड सन, अकबर डाइड इन 1605। सम सोर्सेस से अकबर बिकम फैटली इल विथ डायसेंट्री, वाइल अदर साइड अ पॉसिबल पॉइजनिंग लाइकली ट्रेस टू अकबर सन जहांगीर। मैनी फेवर्ड जहांगीर एल्डेस्ट सन खुसराव टू सक्सीड अकबर एज एम्परर, बट जहांगीर फोर्सफुली असेंडेड डेज आफ्टर अकबर डेथ। कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि जहांगीर जो है वो नेक्स्ट सक्सेसर बने, पर जो जहांगीर थे वो फोर्सफुली उन्होंने खुद ही को राजा घोषित कर दिया, और अकबर के नेक्स्ट सक्सेसर थे जहांगीर। अकबर टॉम, इट इज़ लोकेटेड एट सिकंदरा इन द सबर्ब्स ऑफ आगरा ऑन द मथुरा रोड। अकबर की जो टॉम है वो सिकंदरा में है आगरा में, और इनके नेक्स्ट सक्सेसर थे जहांगीर, जिनका रियल नेम था सलीम। तो इसमें हमने अकबर के बैटल्स पढ़े, उनके 9 जेम्स के बारे में पढ़ा। 9 जेम्स से बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और उससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।